आज की इस वीडियो में बात करूंगा सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में यानी फिजिक्स सेट रहेगा ये आपका पिछली साल का पेपर है तीन सौ छियालीस सेट है इसको पूरे को सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या है क्वेश्चन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ठीक है पहले आपके टिक मार्क प्रश्न है ये देखिएगा पहला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है ये आप बहुत सारी राशियों के जैसे वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर उसके बाद में आ जाता है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है वैद्युत विभव वैद्युत धारिता इनकी मात्रक विमीय सूत्र सारी चीजें याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से एक सवाल जरूर आएगा जैसे अब इसमें यह पूछा वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फाइव ई बराबर ई ए ठीक है और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर है इसमें कोई ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आगे देखिएगा इनका विमीय सूत्र भी याद कर लीजिएगा क्योंकि विमीय सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी अगला प्रश्न है यह कह रहा है कि आपका ये देखिएगा अगला प्रश्न है कि ओम प्रतिरोध वाले तार को एक संभा त्रिभुज में जोड़ा जाता है कि नहीं, दो सीटों के बीच प्रभावी प्रतिरोध याद करो आजकल क्या है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपके सिलेबस से हटा दिया है तो वहां से सवाल आएगा नहीं तो इस टाइप का सवाल अब नहीं आएगा प्रतिरोधों की जगह पर आपका संधारित्र दे सकता है ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है आपका यह कह रहा है कि एक प्रत्यावर्तीम और एक्सएल बराबर दो सौ ओम और एक्ससी बराबर दो सौ ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर ज्ञात करो तो सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसा परिपथ है जिसमें आर भी है एक्सएल एक्सएल का मतलब क्या है कि उसमें एल भी जुड़ा हुआ है और एक्स सी का मतलब क्या है कि उसमें एक धारिता यानी कि सी भी जुड़ा हुआ है यानी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यानी एल सी आर परिपथ है परिपथ हमको पता चल गया एल सी आर क्योंकि उसमें तीनों चीज लगी हुई है तो एल सी आर परिपथ में कलांतर बराबर यानी टेन फाइव बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर ये फॉर्मूला है तो डायरेक्टली हम एक्सएल यानी कि 200 सौ बट दो सौ माइनस दो सौ बट्टे सौ करेंगे यानी 200 सौ में दो सौ गए जीरो आ जाएगा टेन में जीरो कितने का मान होता है टेन नब्बे का मान जीरो सॉरी टेन जीरो का मान जीरो होता है तो ये आ जाएगा इतना तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम टेन जीरो और टेन से टेन कट जाएगा तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा जीरो तो जीरो आ जाएगा राइट आंसर कितना आ गया जीरो तो जीरो डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है अगला प्रश्न सर देखिएगा यह है आपका यदि ध्रवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा हो तो बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है तो याद से समझ लीजिएगा द्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में डायरेक्टली संबंध होता है और कौन सा संबंध होता है टेन अल्फा और साइन बीटा बराबर वन ठीक है याद से समझ लीजिएगा ये फॉर्मूला होता है ओके चलिएगा आगे एक ही वेग से एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी यानी कि जो कण इसमें बताना है डीब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी कि ये एक ही वेग से चल रही है एक समान वेग से अल्फा इलेक्ट्रॉन भी एक समान वेग से चल रहा है इन चारों कणों का वेग समान है तो बता लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा होगी तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का देखिए फॉर्मूला देखो लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी तो वी तो समान है तो एम जिसका कम होगा एम जिसका कम होगा उसकी तरंग सबसे ज़्यादा होगी तो अब बताइए कि एम मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान और अल्फा कण का द्रव्यमान इनमें सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है तो इनमें सबसे कण द्रव्यमान आपका इलेक्ट्रॉन का होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन से संबंधित डीब्रॉली तरंग दर्द सबसे ज़्यादा होगी देख लीजिएगा ठीक तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूनतम है इसलिए सबसे ज्यादा होगी आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रकाश प्रकाशवैद्युत प्रभाव में प्रियो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 जीरो है V0 जीरो के बीच खींचे गए वक्र की ढाल तो आंसटीन के अनुसार सीधे सीधे इसको याद कर लीजिएगा इसके वक्र की ढाल की यदि हम बात करें तो वो क्या होती है एच अपॉन ई होती है भाई क्या होती है एच अपॉन ई होती है ध्यान से समझ लीजिए ढाल क्या होती है एच अपॉन ई होती है तो सीधी सीधी बात हम यहाँ पर तो एच अपॉन ई है कोई ऑप्शन देखिएगा ये तो ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा आपको ठीक है अब आ जाता है ये देखिए अगले छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं जो थ्योरिटिकली प्रश्न हैं जैसे कि दूसरे का कै अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको देनी है तो क्या है अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से आप अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे ही बिंदु को हम द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं ठीक है जहां से कुल मिलाकर बात है अवतल लेंस से अवतल लेंस से ठीक है कोई अवतल लेंस इस तरीके से आपका लगा हुआ है ध्यान से समझिएगा अवतल लेंस इस तरीके से आपका लगा हुआ है और ऐसे आपकी एक कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ से टकराने के बाद ये किरणें ऐसे निकल गईं तो यहाँ से ऐसे डर डस करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो इसी बिंदु को हम मुख्य फोकस बोलेंगे समझ में आ गई बात यानी अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एक निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सारी चीज़ों का ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध ये डायरेक्टली याद कर लीजिएगा औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध कितना होता है टी हाफ बराबर जीरो छ सौ तिरानवे जीरो छ नौ तीन एक को भूल जाओ एक मत लगाओ सीधे सीधे जीरो छह सौ तिरानवे यानी कि छ नौ तीन बटेमदा ये आपका फॉर्मूला होता है सीधे 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 समझ में आ गई ठीक है या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी कह सकते हो आ, टी आप अर्ध आयु बराबर देखिएगा अर्ध आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो छ सौ तिरानवे इंटू औसत आयु अब आपसे पूछा क्या था देखिएगा ये आपका देखिएगा हाँ औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध पूछा था ये वाला जो संबंध होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु और आयु में संबंध है ये वाला अर्ध आयु में संबंध पूछेगा तो यहां पे हाफ कर देंगे तो इतना आ जाएगा तो ये दो संबंध है इनको याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका देखिएगा क्वेश्चन आ जाता है अगला क्वेश्चन क्या है प्रकाश वैद्युत प्रकाश वैद्युत का कार्यफलन की परिभाषा आपको देनी है कार्यफलन क्या है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा यानी किसी भी जैसे धातु पर हम जैसे प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए किसी धातु से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसका कार्यफलन कहलाएगा ठीक है इसको सामान्यतः डब्लू से प्रदर्शित करते हैं बस और किसी धातु से Uh, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो हो तो प्रकाश का जो कार्य फलन है वो एच बराबर है क्या होना होगा? जीरो। जीरो। समझ में आई बात ये आपका फॉर्मूला हो गया आगे की बात कर लेते हैं वाटहीन धारा क्या है वाटहीन धारा तो वाटहीन धारा क्या है यदि प्रत्यावर्ती पर्पत में केवल केवल प्रेरकत्व तो एल और केवल धारिता है और प्रतिरोध शून्य है तब परिपथ में धारा तो बहती है परंतु धारा का जो औसत शक्ति छह है शून्य रहता है अर्थात परिपथ में ऊर्जा छह नहीं होता इसी पर्पत को इस पर्पत में बहने वाली धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं यानी कि जिसमें औसत शक्ति छून्य हो वाटहीन मतलब वाट का मतलब क्या है शक्ति का मात्रक वाट होता है तो यानी कि जिसमें औसत शक्ति छह शून्य होता है उसको हम वाटहीन धारा कहते हैं एक ऐसा पर्पत जिसमें केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व शुद्ध प्रेरकत्व और एक शुद्ध धारता यानी लगा हो प्रतिरोध ना लगा हो तो उसमें प्रतिरोध कितना रहता है शून्य रहता है अर्थात उसमें धारा का औसत शक्ति छह शून्य रहता है इसे ही धारा ऐसे परपत में बहने वाली धारा को हम वाठिन धारा कहते हैं आगे है।, है विभव परिवर्ता क्या होती है भाई विभव परिवर्ता आपको बतानी है किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदेश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव परिवर्ता कहते हैं तो आप इतना याद कर लीजिए विभव प्रवर्ता की परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव परिवर्ता कहते हैं तो विभव प्रवर्ता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा विभव परिवर्तन वट्टे दूरी परिवर्तन तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं विभव प्रवर्ता कहते हैं और ये मान हमेशा घटता है तो माइनस डी वी वट्टे डी एक्स इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा चल कुंडली धारा मापी अगला क्वेश्चन है आपका चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए तो धारा सुग्राहिता क्या है धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न यानी एकांक धारा में कितना विक्षेप उत्पन्न होगा ठीक है यदि किसी कुंडली में हम एकांक धारा प्रवाहित करें यानी एक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करें तो उसके कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न होगा तो वही आपकी धारा मापी की सुग्राहिता कहलाती है धारा सुग्राहिता यानी सेंसिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये हो जाएगा एस आई यानी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो ये धारा सुग्राहिता हो गई ऐसी के लिए धारा में वो विछेप, ठीक है मापी की कुंडली में कितना विक्षेप होगा वो ठीक है आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा धारा मापी की सुग्राहिता बराबर फाइव अपॉन आई और फाइव का मान मान क्या होगा फाइव बराबर तो आप लिख दोगे एन आई ए बी साइन थीटा इस तरीके से तो आई साई कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला इस तरीके से चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं अब दो दो नंबर के प्रश्न आएंगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये प्रश्न क्या ये कह रहा है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है यानी कि एक प्रेरकीय धारा परिपथ है उसमें कलांतर आपसे पूछा है तो सिंपल सी बात यह है कि एक उसमें क्या लगा प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होगा प्रतिरोध शून्य होगा बस उसमें एल लगा होगा यानी प्रेरकीय प्रतिभात का मतलब क्या है कि उसमें एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल एल लगा है यानी कि एक केवल प्रेरकत्व लगा हुआ है तो उसमें आर बराबर कितना होगा शून्य होगा चलिएगा जब आर शून्य है और प्रेरण प्रतिघात जब एल लगा हुआ है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल यानी कि टू फाइव एफ एल होगा अब इनके बीच कलांतर हम पूछेंगे तो कलांतर देखिएगा टेन फाइव बराबर फॉर्मूला क्या होता है सीधे सीधे एक्सएल बट्टे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा अब ये चीज भूल जाइए सीधे सीधे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा एक्सएल बट्टे आर और आर का मान यहां पर जीरो जीरो का किसी संख्या में भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है तो टेन फाइव बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है वैसे भी आपका एक्ससी माइनस एक्स एल बटे आर एक्ससी का मान यहां पर जीरो रहेगा ये आ जाएगा आर का मान जीरो है तो जीरो का भाग करेंगे टेन फाइव हो जाएगा अब टेन इन्फिनिटी यानी टेन में अनंत कितने का मान होता है टेन नब्बे का मान अनंत होता है तो टेन से टेन कट जाएगा तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा फाइव बराबर इतना आ जाएगा क्यों आया क्योंकि टेन पाईवटे दो का मान इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी की जगह पर टेन नब्बे लिख सकता हूं मैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे मैंने न्यूमेरिकल वाली सीरीज में कराए थे लेमदा बराबर इतने है तो फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है तो ई बराबर फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमदा अब सीधे सीधे लेमदा का मान यहां पर दे रखा है एच कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है देखिएगा ये एच का मान हो गया ये सी का मान हो गया लेमदा का मान यहाँ पर दे रखा है इसको खोला इतने जूल आ गया इसमें वन पॉइंट सिक्स का भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा बाकी ये मैं बोर्ड पर करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में आपको बोर्ड पर कराऊंगा यहाँ पर केवल थ्योरी थ्योरी समझ लो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिएगा ये फॉर्मूला आ जाता है आपका यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो अब देख लीजिएगा यहां पर क्या कहा है कि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों के मान बराबर हैं यानी कि ए प्रिज्म का कोण ए होता है इसका मान मैं एक्स मान लू और विचलन कोण ये भी एक्स मान लू यानी दोनों के मान बराबर मान लू तब देखेंगे क्या होगा अब आपको पता है कि पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है साइन ये होता है ए प्लस ए प्लस सिग्मा एम यानी कि ये सिग्मा सिगमाएम डेल्टा एम, एम सिग्मा मानी डेल्टा बोलिए इसको डेल्टा एम बट्टे दो और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बट्टे दो ये फॉर्मूला है अब आपको मैं क्या कह रहा हूं इसका यदि मैं प्रिज्म का कोण ए मान लू और तो फिर मेरे को डेल्टा एम भी ए मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के मान समान हैं दोनों के मान हमको समान बराबर हैं तो ए ए मान ले रहा हूं मैं तो देखिएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं ए प्लस ए लिख दूँगा यहाँ पे भी ए देखिएगा ये दोनों ए हो जाएंगे और नीचे यहाँ पे ए है ही है तो क्या हो जाएगा देखिएगा ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए ये भी ए हो जाएगा अब आपको दिखाई देगा कि साइन नॉर्मली आपको क्या दिखाई दे रहा है ये आपका दिखाई देगा साइन ए और ए प्लस ए टू ए हो जाएगा टू ए से ये कट जाएगा तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा साइन ए बचेगा साइन ए क्यों क्योंकि ए ए प्लस ए टू ए हो जाएगा दो से दो कट जाएगा साइन ए और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है यानी कि ये देखिएगा ये आपका आ गया साइन ए और नीचे आपका साइन एवटे टू है साइन ए का यानी फार्मूलाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ठीटाबे टू और कॉस ठीटाबे टू तो यहां पर हो जाएगा two, sin A टू साइन ए वटे टू कॉस ए वटे टू और ये यहाँ पर साइन ए वटे टू से ए वटे टू कट जाएगा तो टू कॉस ए वटे टू आ जाएगा ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला ठीक है चलिएगा अब की बार वैसे ये वाले सवाल आएंगे नहीं एंड गेट और और गेट वाले बाकी ये मैंने करा रखे हैं तो इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपका एंड गेट और गेट नॉर गेट ये सारे करा रखे हैं मैंने फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या है इसमें आपसे पूछा है देखिएगा यहाँ पे एक मिनट फिर भी हम इसको करा देते हैं सवाल को देखिएगा सिंपली यहां पर क्या दे रखा हमको नॉट गेट करना है नॉट गेट नॉट गेट ठीक है अब ये नॉट गेट कैसे हमको पता चली यहां से देखिएगा ये देखिए ये वाला जो इस तरीके का ये डी टाइप की जो शेप होती है ये एंड गेट की होती है किसकी होती है एंड यानी कि डी बन रहा है ऐसी शेप आपकी एंड गेट की होती है अब एक और देखिए और गेट एक और गेट होता है तो इसमें ओ बन रहा है तो इस टाइप की जो शेप होती है ये आपका ओ टाइप का बनना ना ऐसे ओ बन गया ऐसे तो ये आपका क्या रहता है और गेट होता है और नोट तो आप जानते ही हो नोट सीधे सीधे क्या होता है इस तरीके का नोट गेट बना दिया जाता है ये आपका नोट गेट है ये यानी कि ये वाला स्पेशली ये जो बिंदी सी है ये आपका नोट गेट को प्रदर्शित करती है तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है ये डी टाइप का दिखाई दे रहा है और इस पर एक बिंदी बन रही है यानी कि डी का मतलब एंड आ गया और इसमें क्या लग रहा है बिंदी लगी हुई है सी डिमरी तो ये बन गया नैंड तो ये NAND गेट है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको पता चलेगा तो तो वही लेंगे ए और बी ये आपके इनपुट हैं आउटपुट में पहले एंड गेट का लगा दिया हमने यदि एंड गेट आता तो आपको इतना ही करना पड़ता और आपका नैंड है तो इसका रिवर्स कर देंगे यानी कि डैश लगा देंगे इस तरीके से अब आपको पता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है भाई देखिएगा एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है होता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी यानी कि वाई बराबर ए डॉट बी होता है अब इसका गेट का क्या हो जाएगा इनवर्स लगा देंगे इस तरीके से चलिए तो अब आपको दिखाई देगा ए डॉट बी का मतलब क्या ए हम हमेशा दो ही सिंबल लेते हैं जीरो जीरो यानी कि पहले पॉइंट को ऑन करेंगे यानी ऑफ है दूसरा पॉइंट ऑफ है तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई कर जीरो जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा इन दोनों की करेंगे तो भी जीरो आएगा की वन की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आएगा और वन की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन आएगा अब इसका रिवर्स करेंगे देंगे जहाँ जीरो है वहाँ पे वन जहाँ जीरो है वहाँ पे वन जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो तो ये नैंड बन जाए उल्टा बन जाता है तो इस तरीके से बाकी अच्छी तरह से ऐसा ना डिस्प्ले पर समझा नहीं पाऊंगा तो बोर्ड पर समझा दूंगा आपको ठीक है ये आपका नॉर गेट बन गया देखिए यहां से आपको पता चल रहा है ये इस तरीके का है मैंने बताया था ये वाला नॉर है और इसके साथ भिंडी लग गई यानी गुंडी लग गई तो ये आपका क्या बन गया नॉर यानी कि नोट लग गया इस तरीके से आगे देखिएगा आगे का क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है आपका देखिए ये कह रहा है कि एक उत्तर लेंस और अवतल लेंस की क्षमताएं दस डायोप्टर और दो डायोप्टर है संपर्क में रखे लेंसों की लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी है ठीक है और युग्म की प्रवृत्ति भी बतानी है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखिएगा पहले क्या कहा है एक उत्तर लेंस और अवतल लेंस की क्या दे रखी है क्षमता दे रखी है तो अब अवतल लेंस की क्षमता को तो का त्यों रखते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आपकी दो डायोप्टर दे रखी है अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कितनी दे रखी है देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है दो डायोप्टर या अवतल लेंस की है तो अवतल में क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं तो ये P2 कितनी है माइनस का दो दोनों को जोड़ेंगे तो आठ बचेगा क्योंकि दस और माइनस के दो तो आठ ठीक है आठ क्योंकि पॉजिटिव आई है तो प्रवृत्ति तो उत्तर लेंस की हो गई यानी यदि माइनस में आती तो अवतल लेंस की प्रवृत्ति बनती यहीं से हम फोकस दूरी निकालेंगे तो फोकस दूरी यदि आपका डायोप्टर दे रखा है तो सौ का लगाएंगे भाग तो सौ बट्टे पी कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में निकल जाएगी पी का मान आठ है तो आठ सौ बट्टे आठ करेंगे तो बारह तो पॉइंट पांच सेंटीमीटर आ जाएगी तो ये फोकस दूरी हो गई अब हमको क्या चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए आपको पता है यहां पे देखिएगा ये क्या बोला है कि लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि वस्तु की दूरी ये आपका क्या दे दिया U बराबर दे दिया तो बस ये ये फोकस दूरी दूरी निकली है वन वी दूरी है प्रतिबिंब की हमको निकालनी माइनस का लगा देंगे क्योंकि ये क्या है आपको पता ही चल रहा है कि उत्तर लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है तो उत्तर लेंस के लिए वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं इसलिए ये आ गया ठीक है ये सारी चीजें यहां से हो गई अब हमने माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है ये प्लस हो गया और लाइट right. अब ये प्लस हो जाएगा इसको इधर लेके जाएंगे देखिएगा ये यहां पर कितना है 1. 1. है ये वाला अब ये वाला क्या है माइनस का है माइनस माइनस ये हो गया प्लस ठीक है प्लस हो जाएगा इस इधर जाएगा तो ये फिर से माइनस हो जाएगा माइनस एक बट्टे पच्चीस अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पच्चीस हम एलसीएम ले लेंगे पच्चीस का भाग करेंगे पच्चीस में दो बार जाएगा पच्चीस का में 25 का भाग करेंगे एक बार जाएगा तो दो में से एक गया तो एक, एक बट्टे पच्चीस तो पच्चीस सेंटीमीटर बन गया ठीक है बाकी ये न्यूमेरिकल हम बोर्ड पर कराएंगे आपका तो वस्तु का प्रतिबिंब युग्म पच्चीस सेंटीमीटर से पीछे की ओर बनेगा क्यों और उत्तर लेंस की बात है व्यवहार करेगा बात खत्म ठीक है आगे यंग के रेखा छिद्र प्रयोग के लिए आ, उसका फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक और फ्रिंज की चौड़ाई पर एक नमेरिकल 100 परसेंट आपका आएगा तो इनको कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये आपका चित्र बनाना होता है इस तरीके से करना है तो हम आगे कराएंगे इसको इसको तो मैंने करा रखा है फिर से एक बार मैं और करा दूंगा ठीक है बहुत ही सिंपल और साधारण डेरिवेशन है अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोलह ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु एक दिन है तो ज्ञात करो इसकी अर्धायु कितनी होगी और तीन पॉइंट पांच दिन बाद इसकी आवंटित मात्रा अविघटित मात्रा आपसे पूछी है ठीक है चलिएगा तो अब देखिए रेड सोलह ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी औसत आयु यानी टॉ बराबर कितनी है एक दिन है तो औसत अर्धायु मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था टी हाफ यानी अर्धायु बराबर क्या था जीरो पॉइंट सौ तिरानवे गुणा औसत आयु औसत आयु एक दिन है तो इतनी आपकी निकल आएगी सीधे सीधे जिस और अब पूछा क्या है कि इसकी तीन पॉइंट पाँच दिन बाद तीन पॉइंट पाँच दिन में अर्ध आयु की संख्या क्योंकि अविघटित मात्रा की जो संख्या होती है वो ये होती है अविघटित मात्रा की संख्या होती है एन बराबर एन जीरो एक बट्टे दो की पावर एन अब एन कैसे निकलता है पहले एन निकाल लेते हैं एन बराबर फॉर्मूला होता है कुल समय बट्टे अर्ध आयु कुल समय कितना है तीन पॉइंट पाँच दिन अर्धायु कितना है अर्धायु है आपका कितना आया था अभी अभी अर्धायु हमने निकाला है ऊपर कितना निकाला है जीरो छः सौ तिरानवे जीरो छः सौ तिरानवे का जब हम इसमें भाग करेंगे यानी तीन अंक हैं तो दो जीरो लगा देंगे इसका हम भाग करेंगे तो ये पांच बार जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हम इसको सात मान लेंगे आप लगभग लगभग ऐसा करिएगा कि यदि मैं इस पॉइंट के बाद एक अंक रखना चाह रहा हूं तो इससे अगला अंक पाँच या पाँच से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा ये नीचे जब छ में एक जुड़ जाएगा तो जीरो पॉइंट सात हो जाएगा पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा सात से पैंतीस कट जाएगा पांच बार तो लगभग पांच आ जाएगा अब हम क्या करेंगे एन बराबर एन जीरो बट्टे दो की पावर पांच तो एन जीरो का मान कितना है सोलह गुणा एक बट्टे ये एन जीरो का मान कैसे निकला यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है ये रहा कितना है प्रारंभिक मात्रा कितनी थी उसकी सोलह ग्राम बस प्रारंभिक मात्रा 16 ग्राम हो गई तो अब हम यहां से निकाल देंगे जो एन जीरो होती है प्रारंभिक मात्रा और एविघटित मात्रा निकालते हैं तो यह एन होती है एक बट्टे दो की पावर पांच तो दो की पावर पांच करेंगे बत्तीस सोलह से कट जाएगा तो एक बटे दो आधी रह जाएगी तो तीन पॉइंट पांच दिन बाद कितनी रह जाएगी वो एक बट्टे दो ग्राम रह जाएगी ठीक है आधा ग्राम रह जाएगी समझ में आई बात नहीं आई ये चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि एक छोटा चुंबक एक समान बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र जी चार पॉइंट पांच टेस्ला में रखा है छड़ चुम्बक की अक्ष के साथ तीस डिग्री का कोण बनाती है यदि यदि चार पॉइंट पांच चार पॉइंट पांच न्यूटन गुणा दस की पावर माइनस दो तो न्यूटन मीटर का बलागुण लगता है तो छड़ चुम्बक की स्थिति ज्ञात करो स्थिति जो ऊर्जा ज्ञात करनी है तो नॉर्मली देखिएगा पहले तो टॉर निकालते हैं बलागुण बराबर होता है एम साइन थीटा ये आ गया फॉर्मूला अब यहाँ पर हम टॉ का मान चार पॉइंट पाँच गुना दस की पावर माइनस दो दे रखा है एम का मान निकालेंगे और बी का मान पैं चार पॉइंट पाँच दे रखा है और साइन तीस साइंतीस का मान एक बट्टे दो होता है इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा बाकी बोर्ड पर करा दूंगा ऐसे नोमेरिकल्स को और यू बराबर होता है एम बी साइन ठीटा तो ये हम पूरा निकाल देंगे तो ये हम कराएंगे अपने उसमें ठीक है बोर्ड पर आगे ये सिंपल है इसको करा देंगे एक अनंत लंबाई के एक समान एक समान रूप से आवेशित तार का रेखिक आवेश घनत्व यानी कि ये लैम्डा बराबर दे रखा है तार से दो सेंटीमीटर दूरी पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता नॉर्मली सूत्र हमारा ये लगेगा प्रश्न अनुसार रेखिक आवेश घनत्व इतना दे रखा है तार से दो सेंटीमीटर की दूरी दो सेंटीमीटर का मतलब दो गुणा दस की पावर माइनस दो मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी तीव्रता तो बराबर क्या होता है फॉर्मूला देखिएगा फॉर्मूला यह है इतने का नौ गुणा दस की पावर नौ होता है यह आ गया फिर तो यह दो आ गया दो और यह है दस पॉइंट जीरो गुणा दस की पावर माइनस आठ अब दो से दो कट जाएगा और वैसे भी दिखाई दे रहा है दस का मतलब क्या है एक घात पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव तो नौ और एक दस घात हो जाएंगे दस में से दो चली जाएंगे माइनस का चले जाएंगे तो दो बचेंगे प्लस के और ये दो ऊपर जाएंगे तो ये भी प्लस के दो हो जाएंगे माइनस के ऊपर जाएंगे तो दो, और दो चार नौ गुणा दस की पावर चार न्यूटन प्रति कुलाम आ जाएगा अगला क्वेश्चन त्रचॉप के विद्युत पर्पत संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में सेतु के लिए पी अपोन की कीजिए तो ये वाला मैंने आपका डेरिवेशन कराए थे तब तो मैंने आपको कराया था पूरी तरह से समझाया अच्छी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है वैद्युत अनुनाद किससे कहते हैं श्रेणी अनुनाद परपत की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करो ठीक है तो वैद्युत अनुनाद समझ लीजिए पहले वैद्युत अनुनाद क्या है जब किसी एल सी आर पर्पत में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है अर्थात प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के मान बराबर होते हैं तो ऐसे परिपथ को हम वैद्युत अनुनाद परिपथ कहते हैं और इस परिपथ की अनुनादी परिपथ इस परिपथ को अनुनादी परपत कहते हैं और इस परिपथ की, की जो तीव्रता होगी उसको हम इस परिपथ की जो आवृत्ति होगी उसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं ठीक है और अब आते हैं बात आगे श्रेणी अनुनादी परपत बात समझे नहीं समझे यानी एक ऐसा वैद्युत यानी एल सी आर में आरोपित वोल्टेज और मुख्य धारा एक ही कला में हो अर्थात एक ऐसा परिपथ यानी एक ऐसा एल सी आर जिसमें धारे प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के मान बराबर होते हैं तो ऐसे परपत को हम वैद्युत अनुनाद या वैद्युत अनुनादी परपत कहते हैं ठीक है आ जाओ तो श्रेणी अनुसार जिसमें क्या है आरोपित वोल्टेज और ये समान होंगे इनकी आवृत्ति समान होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा नॉर्मली जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर एक्र प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वेयर तो अब आपको पता है जब एक्सएल और एक्ससी के मान जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये मान पूरी तरह से जीरो हो जाएगा ठीक है जब ये मान जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर आर आ जाएगा सीधी सीधी बात है जेड बराबर आर आ जाएगा ठीक है ये हो गया अब आगे की बात करते हैं और एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है एक्स एल बराबर एक्स सी है तो एक्स एल का मान ओमेगा मेगा एल बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा मेगा सी हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल नीचे आ जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट में एल सी ये आ जाएगा ठीक है तो ये आपकी क्या निकल गई अनुनादी आवृत्ति और अनुनादी अनुनादी आवृत्ति यानी अनुनादी आवृत्ति एफ बराबर होता है फॉर्मूला देखिएगा नॉर्मली आपका W बराबर होता है टू फाई एफ तो f बराबर हो जाएगा f बराबर हो जाएगा क्या ओमेगा अपॉन टू पाई हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू कितनी है वन अपॉन एल है तो ये यहाँ से निकालेंगे f बराबर वन अपॉन टू पाई अपॉन इन टू अंडर रूड में एल सी आ जाएगा बाकी ये बोर्ड पर समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुमको अजीब लग रहा होगा ऐसे ही समांतर प्लेट संधारित्र एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक चाहिए तब उसके ज, तब चाहिए जब उसके बीच में आंशिक रूप से कोई पदार्थ भरा हो तो ऐसे डेरिवेशन मैंने कराए हैं तो देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है बाकी मैं करा दूंगा इसको भी लो चुंबकीय और ये ठीक है इन पदार्थ की परिभाषा आपको लिखनी है तो अब की बार तो ये आएंगे नहीं तो वैसे पढ़ो मत लेकिन फिर भी मैं बता दूं वे पदार्थ जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत कम चुंबकित होते हैं उनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जो जो क्या होते हैं वे पदार्थ जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं उनको प्रति है कहते हैं और लोह चुम्बकीय क्या होते हैं जो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं उनको हम लोह चुम्बकीय कहते हैं इनके मात्र यानी कि एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना इस तरीके से कि लोहा कोवल्ट निकिल ये क्या हैं लोह चुम्बकीय पदार्थ हैं चुंबक से बहुत ज्यादा आकर्षण रखते हैं ठीक है अब यह खगोलीय दूरदर्शी के यह एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसे जिससे दूर स्थित वस्तुओं को सरलता से देखा जा सकता है यह है यंत्र चंद्रमा उल्का पिंड तारों इत्यादि आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है यह आपका है इसमें संरचना क्या होती है देखिएगा इसमें दो उत्तल लेंस प्रयोग किए जाते हैं पहला उत्तल लेंस जिसका द्वारा बड़ा होता है जिसे हम वस्तु के सामने रखा जाता है अविशक लेंस कहलाता है दूसरा उत्तल लेंस जिसका द्वारा छोटा है होता है जिसे नेत्र के सामने रखा जाता है इसको हम नेत्र का कहते हैं दोनों लेंसों को एक नली में व्यवस्थित करते हैं इसमें एक प्रकार की व्यवस्था होती है जो नली को आगे पीछे खिसका सकते हैं जिससे हम प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं ये आपका चित्र है इस तरीके से आपका यहाँ पर ये कर लेते हैं बाकी ये हमने करा रखा है और हम इसको दोबारा करा देंगे क्योंकि डेरीवेशन टाइप का है ये बड़ा नुमेरिकल आ गया तो इसको हम और आगे तरीके से करा देंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल ये तो हमने दिया अब प्रकाश का आ जाता है प्रकाश देखिए आ रहा है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है दो पोलेराइट ए और बी परस्पर लंबवत रखे हैं तो इसके बीच एक तीसरा पोलेराइट किस प्रकार रखा जाए कि बीच से निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पर आपतित ध्रमण प्रकाश की तीव्रता से एक बट्टे बत्तीस हो जाए तो इसको हम सिद्ध करेंगे लेकिन फिलहाल आप प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा याद कर लो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में वैद्युत सदिशों के कंपनों की दिशा या तल की सीमित कर दिया जाए तो प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है यानी कि वैद्युत सदिशों के कंपनों की दिशा कैसी कर दी जाए सीमित कर दी जाए या तल को सीमित कर दिया जाए तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं ध्रुवण कहते हैं ठीक है ठीके? बस ये है बाकी कुछ नहीं और देखिए इसमें थोड़ी सी बात है कि यह घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करती है तथा अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या को व्याख्या करती है यानी कि इसमें क्या होता है अनुप्रस्थ टिक मार्क में आ जाए तो ये क्या तरंग प्रकृति होती है ध्रुवण में और इसकी प्रकृति कैसे like अनुप्रस्थ तरंग की होती है ठीक है तरंग होती है तरंग की प्रकृति कैसी होती है अनुप्रस्थ होती है ये आपका ब्रूस्टर का नियम इस उन्होंने दिया था एन बराबर टेन आई पी इस तरीके से ब्रूस्टर का नियम कहते हैं ठीक है यही ब्रूस्टर ब्रूस्टर का नियम क्या था देखिएगा ये आपका ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने बताया था कि प्रकाश यानी परावर्तित प्रकाश में दुर्बित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है इसके कंपन आपतन तल के लंबवत हो जाते हैं और आपतित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है और इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं पूर्ण रूप से इसे इसको हम ध्रुवण कोण कहते हैं और ध्रुवण कोण और इसमें आपसी संबंध क्या होता है एन बराबर टेन आई पी इस तरीके से ये ब्रूस्टर का नियम होता है बाकी मैं समझा दूंगा चिंता ना करनी है ठीक है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है इसको भी मैं बोर्ड पर कराऊंगा कोई दिक्कत नहीं है बस इसमें हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत हैं इनको याद कर लीजिएगा आप जैसे हाइगेंस ने कुछ परिकल्पनाएं दी कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्त्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत से चारों ओर स्थित माध्यम में कण कंपन करने लगते हैं माध्यम में वह पृष्ठ जिसके सभी कंपन समान होते हैं तरंगाग्र कहलाता है ठीक है ये है आपका और आगे इसी तरीके से तरंग आग्र पर प्रत्येक माध्यम प्रत्येक माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं ठीक है इस तरीके की कुछ चीजें हैं इनको मैं बोर्ड पर कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा आपको तो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर कराने लायक हैं सारे तो ये भी प्रकाश हाँ प्रकाश संबंधी आष्टिन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तो देखिए प्रकाश संबंधी नियम है कुछ कि किसी धातु के पृष्ठ की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है अगला है कि पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है आगे सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है अगला है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता यही न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है और पाँचवा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की सतह पर आपतन और सतह के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय अंतराल नहीं होता अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं यानी कि जैसे ही उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं बिल्कुल भी समय नहीं लगता ठीक है अब इनकी व्याख्या करेंगे तो वो हम बोर्ड पर कराए ना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही देखिएगा ये आपकी जितनी भी थ्योरी है डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण गति करते हैं तो उनसे संबंध तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं ठीक है ये तरंगें क्वांटम सिद्धांत का पालन करती हैं आगे चलते हैं देखिएगा ये आपको दे रखी हैं कुछ द्रव्य तरंगे हैं और द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में अंतर इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है आगे की बात करते हैं द्रव्य तरंगों के लिए ये तरंगें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंध नहीं रखती हैं ठीक है थीके? और ये कौन सी तरंगें हैं ये हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें ये तरंगें चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित रखती हैं और यांत्रिक तरंगें ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रों से संबंध नहीं रखती हैं द्रव्य तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है इनकी चाल प्रकाश की चाल के समान होती है और इनकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है इस तरीके के कुछ अंतर हैं जैसे कि इनकी ऊर्जा क्वान्टृत होती है इनकी ऊर्जा क्वान्टृत नहीं होती है इनकी ऊर्जा क्वान्टृत नहीं होती है इस तरीके से कुछ हैं तो इनको याद कर लीजिएगा आगे एक क्वेश्चन दे रखा है एमपियर का परपति नियम लिखिए इसका संशोधित नियम भी बताना है देखिए किसी बंद समतल या बंद पास के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस प्रश से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है यही एम्पेयर का पार्पति नियम है ठीक है ये आ गया अब इसका संशोधन करेंगे एमपेयर के प्रपति नियम में तो ये हम कराएंगे बोर्ड पर ठीक है बाकी कुछ बचा नहीं पूरी तरह से अब लगभग खत्म है रेखीय ये बल ये भी आपका बोर्ड पर कराने लायक है और ये ट्रांसफार्मर फेराडे के नियम फेराडे के नियम जरूर कर लीजिएगा कि क्या है प्रथम नियम जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फिल्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक विद्युत प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम चुंबकीय फिल्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं अब आगे एक और नियम है कि जब किसी परिपथ में प्रेरित वाहक अथवा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह है उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है यह लेंज का नियम कहलाता है बस ये पूरी तरह से खत्म बाकी ये डेरिवेशन वगैरह हम करा देंगे आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा